हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरी नेपाली वेडिंग के फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे उस पर व्यूज आए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, इसमें आपको देखने मिलेंगी नेपाली वेडिंग की जो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग सी रिचुअल्स होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये शादी से एक दिन पहले रात का ये व्यू है। और अब है यहाँ पे, ये मेरा शादी का आउटफिट। मैंने क्रेप सिल्क साड़ी को अपने डिज़ाइनर ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है और चोकर पहना है, मिरर चोकर। यहाँ पर जो शादियाँ होती हैं वो दिन में होती हैं और नेक्स्ट डे होता है रिसेप्शन। तो अब हम वेन्यू पर पहुँच गए हैं। ये है वेन्यू, देखिए कितना ब्यूटीफुली ये डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पर दुल्हन भी इंडिया की तरह लहंगा नहीं पहनती। यहाँ पर जो ब्राइड्स होती हैं वो मेनली शादी वाले दिन रेड कलर की साड़ी पहनती हैं, घूंघट पहनती हैं। और ये देखिए, ये बारात आ गई है और बारात में भी सबसे आगे वही जो ट्रेडिशनल नेपाली फोक शहनाई बजती है, वही म्यूज़िक आपको पूरी शादी में सुनाई देगा। तो ये देखिए, बारात का स्वागत कीजिए आप भी। तो ये वही म्यूज़िक है जो यहाँ पर मेनली हर फंक्शन में बजाया जाता है। तो यही वो फंक्शन, ये वो शहनाई वाला म्यूज़िक है और बहुत ही स्वीट ये म्यूज़िक लगता है। बाहर ही ये मंडप बनाया हुआ है फेरों के लिए। और अब आता है, अब है दूल्हे का वेलकम करने का टाइम। ये देखिए, ये दूल्हे राजा है हमारे और ये पीछे ब्राइड की सिस्टर और उसके फादर हैं। दूल्हे ने जो पूरा नेपाली ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए हैं और जो गले में जो पहना हुआ है, यहाँ पर ट्रेडिशन है धूप, धूप जो भगवान को अर्पण किया जाता है उसकी माला पहनते हैं। जयमाला से पहले वही माला पहनी जाती है। और ये जो आप लेडीज़ के गले में ग्रीन कलर की माला देख रहे हैं, इसमें गोल्ड का एक बहुत बड़ा स्टोन, गोल्ड का एक बहुत बड़ा रिंग सा डाला जाता है जिसे तिलहरी बोलते हैं। और इन मोतियों की माला को बोलते हैं पोते। ये इस तरह की माला हर लेडी पहनती है शादी में, और मैरिड लेडीज़ स्पेशली रेड कलर की पहनती हैं। अब आ गई है ब्राइड। ये देखिए, ब्राइड ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, घूंघट लिया हुआ है जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ रिसेप्शन वाले दिन लहंगा पहना जाता है, वो भी वेलवेट और एक खास तरह का जो कलर होती है, अधिकतर उस तरह की ब्राइड्स साड़ी और वो पहनती हैं। अब स्टेज पर जाकर ये देखिए, दुल्हन अपने पति के चारों तरफ चांदी के करवे से पानी थोड़ा थोड़ा गिराकर उसके फेरे लेती है। इसका मतलब ये है कि आज से आप ही मेरी पूरी दुनिया हो और हम यूनाइटेड हुए आज से। तो उस तरह का ये एक रस्म होता है, बहुत अच्छी मुझे ये रिचुअल लगी। और अभी भी घूंघट पहना हुआ है दुल्हन ने, अभी घूंघट नहीं हटाया हुआ है। कहीं तीन फेरे लिए जाते हैं इस तरह दूल्हे के चारों तरफ, तो कहीं पांच फेरे लिए जाते हैं। तो ये देखिए, चांदी के करवे से थोड़ा सा थोड़ा पानी गिराकर दुल्हन अभी अपने होने वाले हस्बैंड के चारों तरफ फेरे ले रही है। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक रिचुअल, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की रिचुअल देखी है। तो अगर कहीं और भी इस तरह का रिचुअल होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं, हर लेडी ने यहाँ पर वो तिलरी पहनी हुई है पोते की माला में। और जो मैरिड लेडीज़ होती हैं स्पेशली, जैसे अब ईशानी की शादी हो रही है, तो शादी के बाद वो भी रेड कलर की, उसे एक पोते की रेड कलर की माला में तिलरी गिफ्ट की जाएगी। ये एक सुहाग की, मैरिड लेडीज़ की निशानी होती है। तो अब यहाँ पर कुछ रिचुअल्स किए जा रहे हैं, तो वही आप देखिए। जयमाला से पहले यहाँ पर वही होता है, जयमाला से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को धूप की माला पहनाते हैं। तो पहले ईशानी पहनाएगी, हालांकि दूल्हे ने पहले से भी ये माला पहनी हुई है, लेकिन अब एक माला वो अपने हस्बैंड को पहनाएगी और फिर उसके हस्बैंड दीपेश फिर उसे पहनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर वही रिचुअल चल रहा है। नी मैं तेरी हो गई तू मैनु रोण ना देवी, नी मैं तेरी हो गई कुछ सहलांगी, जिवे कवेगा उवे रह लांगी, हस हस के सब कुछ सहलांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेगा। नी मैं तेरी हो गई तू मैनू रोण ना, मेरी अखियां
जयमाला के बाद ये बहुत ही सुंदर एक रिचुअल होती है कन्यादान की तरह। तो यहाँ ये सबसे पहले रिचुअल करते हैं घर के बड़े, जैसे कि ईशानी के बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने पहले ये रस्म की, अब उसके मम्मी और पापा ये रस्म कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं कि चांदी के करवे से दूल्हा दुल्हन के हाथों को धोते हैं, पैरों को धोते हैं और उस पानी को पीते हैं, अपने सर पर डालते हैं। मतलब एक तरह से जैसे भगवान की पूजा करते हैं, उस तरह से अपनी बेटी और अपने दामाद की ये पूजा करते हैं। उसके बाद इन्हें तिलक लगाते हैं और फूल, मेन यहाँ पर जो होता है ना, ये देखिए आप सर पर देख रहे होंगे, गेंदे के फूल सर पर रखते हैं, फिर रोली और चावल मिक्स करके उनको टीका लगाया जाता है और फिर शगुन और आशीर्वाद दिया जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद पेरेंट्स और जितने भी बड़े आते हैं रिलेशन में, बड़े हों या छोटे हों, सभी आकर पैर छूते हैं, माथा टेकते हैं पैरों में। तो ये रिचुअल मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी। तो ये देखिए अभी भैया ईशानी के पापा ने ये रिचुअल की है, अब सेम रिचुअल उसकी मदर करेंगे। देखिए चांदी के करवे से पानी लेकर पहले दूल्हा दुल्हन के हाथ धुलाएंगे, फिर उन दोनों के पैर धोएंगे और उस पानी को मतलब अपने सर पर डालते हैं, थोड़ा सा पीते हैं। और इसी तरह यहाँ पे ये रिचुअल होती है कन्यादान की। और इसी वक्त अगर आप भी मतलब जैसे गेस्ट हैं, वो लोग भी ये सेम रिचुअल करते हैं। तो ये देखिए अभी दुल्हन की मदर सीमा भाभी ये रिचुअल कर रही हैं और उसके बाद आए हुए सभी गेस्ट ने सेम रिचुअल किया और गिफ्ट दिया, आशीर्वाद दिया। और इसके बाद सब दूल्हा दुल्हन के आगे माथा भी टेकते हैं, उनके पैरों में सिर झुकाते हैं। जोड़ना देवी
अब यहाँ पर सिंदूरदान की रस्म हो रही है। ये देखिए ब्राइड के फेस को वाइट कपड़े से ढक दिया गया है और दूल्हा उस कपड़े के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पूरा सिंदूर लाके तब दुल्हन की मांग भरता है। इस रिचुअल का मतलब ये है कि ब्राइड खुद अपनी मांग भरते हुए नहीं देखती, इसलिए इसे कपड़े से फेस को ढका जाता है और अब दूल्हा अपनी दुल्हन को अपने कहते हैं अर्धांगनी तो लेफ्ट साइड पर बिठाता है। तो ये भी एक अच्छी फनी सी और क्यूट सी रस्म है। तो इसके बाद शुरू होती है, हस्बैंड वाइफ ने बहुत सारी रस्में कर ली हैं और इसके बाद अब शुरू होती है जूता चुराई की रस्म, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ दुल्हन की सिस्टर जूता चुराई का नेक ले रही है। ये भी एक बहुत क्यूट सी रस्म होती है और इंडिया की तरह ही यहाँ पे ये सेम रस्म देखने को मिली है। देखिए अब ईशानी ने भी वो तिलरी पहन ली है, रेड और ग्रीन दोनों पहनी हुई है। तो ये यहाँ सुहाग की निशानी मानी जाती है और मस्ट हैव होता है सबके पास, ये यहाँ के ट्रेडिशन में है और सभी लेडीज भी रेड कलर की साड़ी में ही दिखाई देंगी आपको। नेक के बाद अब दूल्हे राजा के जूते वापस किए जा रहे हैं और ये देखिए यहाँ वही रेड वेलवेट के जूते पहनते हैं जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस में ही आते हैं और लेडीज़ भी इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले रेड कलर के स्लीपर्स या जूते पहनती हैं। और देखिए आपने नोटिस किया होगा यहाँ दूल्हे की जो कैप में है एक चांद और सितारे जैसा, ये देखिए ये एक ब्रोच लगाते हैं तो ये स्टार और मून का जो साइन होता है ये नेपाल के फ्लैग में होता है। जो ब्राइड्स होती हैं वो मैरिज में साड़ी पहनती हैं और रिसेप्शन वाले दिन वो लहंगा पहनती हैं। तो ये है रिसेप्शन की पिक। आई होप आपको मेरा ये वेडिंग ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। हर किसी के अपने ट्रेडिशन होते हैं, अपने कुछ अलग रीति रिवाज होते हैं। मुझे ये शादी अटेंड करके बहुत मैंने इन्जॉय किया, नई नई चीज़ें देखने को मिली और आई होप आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।